टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। इस टेंशन से टीम इंडिया को कौन दिलाएगा निजात? कप्तान रोहित शर्मा किस पर करेंगे भरोसा? कौन बनेगा मुकद्दर का सिकंदर? दीपक हुड्डा हार्दिक पांड्या टीम से हुए बाहर, किस धाकड़ ऑलराउंडर की हुई एंट्री? टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की टेंशन बढ़ गई है। दीपक हुड्डा चोट के कारण साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर हो गए हैं, वहीं हार्दिक पांड्या को रेस्ट दिया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ऑलराउंडर दीपक हुड्डा और हार्दिक पांड्या के बाहर होने के बाद टीम में उनकी जगह कौन ले रहा है। टीम से दो ऑलराउंडर बाहर होने के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टीम में एक धाकड़ ऑलराउंडर की वापसी कराई है। इस धाकड़ ऑलराउंडर ने IPL में बेंगलुरु की तरफ से खूब तबाही मचाई थी। गेंदों से ही नहीं बल्ले से भी अपना जौहर दिखाया था। 28 सितंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज शुरू हो रही है। हुड्डा की जगह शहबाज अहमद और पांड्या की जगह श्रेयस अय्यर टीम का हिस्सा बने हैं। सीरीज का पहला मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। हार्दिक ने अभी हाल ही में खत्म हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 3 मैच में 190.90 के स्ट्राइक रेट से 105 रन बनाए थे। ऐसा माना जा रहा है कि वर्ल्ड कप को देखते हुए पांड्या को आराम दिया गया है। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि इस मेगा टूर्नामेंट के लिए हार्दिक जैसे खिलाड़ी पूरी तरह से फ्रेश रहें। दीपक हुड्डा साउथ अफ्रीका सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे, इससे भारतीय टीम की परेशानी बढ़ गई है। बोर्ड ने कहा कि दीपक हुड्डा को बैक इंजरी हुई है। हुड्डा वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया का हिस्सा है, ऐसे में उनकी चोट ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए हुड्डा की जगह शहबाज को मौका दिया गया है। हुड्डा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई टी20 सीरीज में एक भी मैच नहीं खेले थे। शहबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और वो बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हैं, ऐसे में शहबाज अहमद को मौका देना एक अच्छा विकल्प है। अगर हुड्डा वर्ल्ड कप से बाहर होते हैं तो उनकी जगह शहबाज ले सकते हैं। टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाली है। ऐसे में वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज भारत की आखिरी सीरीज है, इसलिए कप्तान रोहित शर्मा चाहेंगे कि वो अपना बेस्ट प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका सीरीज से ही चुन लें। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम में रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है।